इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर प्यार में आए लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल ने विजयनगर थाने पे अप्राप्तिकृत सहित विभिन्न धाराओं में विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने कानपुर के रहने वाले युवक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपना जेंडर चेंज करवाया था और वह युवती बन गया था। युवक से युवती बने ट्रांस गर्ल ने अपनी शिकायत में बताया कि 2021 में उसकी सोशल मीडिया पर सोनू नाम के युवक से दोस्ती हुई, जिसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई और गहरी दोस्ती हो गई। 2022 में पता चला कि सोनू ने फर्जी आईडी बनाई है, जिसका सही नाम विभव निवासी कानपुर है। इसके बाद विभव शुक्ला ने फरियादी को वृंदावन बुलाया और वादा किया कि तुम सर्जरी कराकर युवती बन जाओ तो वह उससे शादी कर लेगा। शादी का झांसा देकर आरोपी ने फरियादी के साथ आपत्तिक संबंध बनाए। वहीं आरोपी द्वारा किए गए वादे के बाद ही फरियादी ने सर्जरी भी करवाई। विभव पीड़िता को दिल्ली, कानपुर और अन्य जगह भी ले जाया गया, जहाँ उसने शादी के नाम पर झांसा देकर अप्राकृतिक संबंध बनाए। आरोपी द्वारा फरियादी के साथ शादी का वादा कर इंदौर में भी संबंध बनाए गए। आरोपी ने पीड़िता को सर्जरी कराने का बोलकर उसे शादी का झांसा दिया और परिवार वालों से मिलवाने की बात कही। इस बीच पीड़िता ने शादी का बोला तो आरोपी विभव ने मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद फरियादी ने विजयनगर थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक की तलाश के लिए एक टीम बनाकर कानपुर भेजी जाएगी। निवासी कानपुर से, जिसने अपनी आईडी सोनू मौर्य के नाम से बना रखी थी और इनकी बातचीत होती थी। बातचीत के बाद में इनके दोनों का प्रेम प्रसंग टाइप का आगे बढ़ा। फिर ये इसने जो विभव शुक्ला है, इसने वृंदावन में इसको मिलने के लिए बुलाया था। तो 2021 में ये उससे मिलने गई थी। मिलने के बाद में वहाँ पे इनकी बातचीत हुई और फिर इसने बोला कि मैं प्यार करते हैं, ये करते हैं। तो इस हिसाब से उसने बोला, अगर तुम अपनी सर्जरी करा के लड़की बन जाती हो तो मैं मेरे मदर फादर से बात करके और शादी कर लूँगा। तो उसी आधार पे इसने अपनी यहाँ पे सर्जरी वगैरह करवाई, तो आधी सर्जरी हुई थी। फिर 2023 में फिर ये मिलने उसको वृंदावन में बुलवाया था जुलाई में। और उसके बाद में ये मिलने के बाद में जब वापस लौटी, फिर वो अभी मिलने जुलाई में, वो जो ने विभव शुक्ला है, वो आरोपी जो है वो यहाँ मिलने आया था। इंदौर में स्टेबल होटल में मिले थे ये, इसके नंबर 54 में। और उसके बाद में इसको बिल्कुल उसने भरोसा दिया था कि मैं शादी करूँगा। फिर ये 9 फरवरी को फिर ये मिलने वापस उससे कानपुर गई थी, लेकिन वहाँ उसने मना कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं कर सकता। और उसके बाद में उसने बोला, नहीं शादी नहीं करेंगे, मैं रिपोर्ट लिखा दूँगी। तो उसको बोला, तुमसे जो बने करो और जा, अब दोबारा कानपुर आई तो जान से ख़त्म कर देंगे। तो इसकी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ प्राकृतिक मैथुन का कई बार इसके संबंध स्थापित किए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंदौर में भी और कानपुर में भी। तो उनकी रिपोर्ट पर से अप्राकृतिक मैथुन 377 धारा IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना बन गया है। हाँ, अब विवेचक आज ही इसकी टाइमिंग हुई है, तो शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको लोकेट करके उसको गिरफ्तार करें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।